ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर के साथ ही भौगोलिक और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो गया है। इन हालात पर काबू पाने के लिए एलटी और बिसाऊ के वेलफेयर ट्रस्ट ने पर्यावरण बचाओ कार्यक्रम का आगाज किया। बिसाऊ के गौशाला परिसर और जटिया स्कूल में 400 पौधे लगाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के तहत बिसाऊ के वेलफेयर ट्रस्ट 10,000 और साथ ही एलटी 501 पौधे लगाएगी। हमने इस बार गर्मियों में देखा प्रकृति के साथ जो विषमताएं हो रही है, प्रचंड गर्मी से हम सब अभी रूबरू रहे। पूरे विश्व में एक बहस चल रही है कि इससे निकलने के लिए एकमात्र तरीका है वो पेड़ लगाने का। तो बिसाऊ में हमने बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ और बिसाऊ किंगरापोल सोसाइटी के साथ मिलकर और बिसाऊ के समस्त नागरिकों के सहयोग से एक मुहिम शुरू की है कि कम से कम 10,000 पेड़ बिसाऊ और बिसाऊ के सराउंडिंग में लगे, ताकि हम बिसाऊ के एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दे पाए। एलएनटी कंपनी द्वारा 50,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिससे जो बढ़ते हुए तापमान को रोकने में सहायक बनेंगे। और एलएनटी का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को अच्छा पर्यावरण मिले, अच्छा वातावरण मिले, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ते हुए तापमान को रोकने का एकमात्र एक ही उपाय है, वो है पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो उसी के तत्वाधान में बिसाऊ में आज 5100 पौधे लगाने का शुभारंभ किया गया है। यहाँ जटिया स्कूल में हुआ है, उसके बाद में यह पौधारोपण का कार्यक्रम है, क्योंकि मानसून स्टार्ट हो रहा है और हर साल पौधे लगाए जाते हैं। उसी क्रम में साला द्वारा ये पौधे रोपण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधे रोपण का